खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई खाना खजाना में बहुत कुछ नया है, ये किचन में भी कुछ नयापन है और मुझ में भी थोड़ा सा नयापन है। अब ये नयापन किस लिए? देखिए हर चीज में कुछ ना कुछ नयापन जरूर होना चाहिए। अब जैसे खाने के अंदर अगर रेसिपीज पुरानी होंगी तो मजा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मैं भी नया कर लेता हूँ, शायद जो डिशेज हैं वो और बढ़िया हो जाएं, टेस्टी हो जाएं, डिलीशियस हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जितना खाना है वो दिल से बनाया जाता है और अपीयरेंस, प्रेजेंटेशन, उसमें बात तो होती है, लेकिन खाने में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है उसका स्वाद। आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट खाना। भाई नवरात्रि है तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा खाना जो काफ़ी लोग व्रत रखते हैं, वो क्या खाएंगे? व्रत का खाना सिंपल आसान। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने सोचा कि जितना कन्फ्यूजन है आज के एपिसोड में इसको कम किया जाए, खत्म किया जाए। शुरुआत करते हैं एक वरई की डिश से। अब ये क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो वरई है इसको मिलेट से भी कंपेयर किया जाता है, व्रत में काफ़ी पॉपुलर है। अब इसे बनाने के लिए करना क्या है, इसे बनाने के लिए आपने इसे पानी के अंदर घोलना है, मतलब सोख करके रखना है। ये देखिए, आपने पानी के अंदर इसको सोख करके रख दिया, कम से कम आधा घंटा तो रखें ही, और उसके बाद इसको हमने छान लेना है। तो ये छन्नी और ये लीजिए, इसे हम छान लेते हैं, पानी निकल जाए इसके अंदर से। अब जो व्रत का खाना होता है उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो अब आपको कुछ ऐसा लगे कि इसमें से नहीं नहीं ये तो हम व्रत में नहीं खाते हैं, तो आप उसको ना डालें, बाकी सारी चीज़ें डाल सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग व्रत में कहते हैं एकदम सात्विक खाना होना चाहिए, तेल वगैरह नहीं डालेंगे, हम बनाएंगे देसी घी से इसको। अब देसी घी कितना खाना है, व्रत में वैसे ही कम खाया जाता है तो देसी घी तो ज़्यादा खा सकते हैं ना। नहीं नहीं, मैंने ऐसा देखा है कि व्रत में लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो इसलिए देखा है कि तले हुए आलू से लेकर खीर से लेकर सारी चीज़ें ढेर सारी मात्रा में खाते हैं, कि व्रत है तो बहुत कुछ कम खाना है, ध्यान से खाएं। घी जब थोड़ा पिघल जाए फिर इसके अंदर हम जरा डालते हैं कुछ और चीज़ें, वो क्या है मैं बताता हूँ। तब तक जरा हरी मिर्च ये तैयार कर लेते हैं, हरी मिर्च, और हरी मिर्च को रफली काट लें, बहुत ज़्यादा महीन काटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर जीरा, ये देखिए ये जीरा इसके अंदर, और जीरे के साथ साथ इसमें ये हरी मिर्च भी, बस ज़रा सा रंग बदले ये जीरा, खुशबू अच्छी आनी शुरू हो गई है। हरी मिर्च इसके अंदर, और उसके बाद ये जो वरई है इसके अंदर, मेरे ख्याल से बहुत हो जाएगा, और इसे हम मिक्स कर देंगे। ये अब ये जो वरई हम बना रहे हैं इसे हमने भून लिया है, अब इसकी भी जो खुशबू है ये अच्छी आ रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है जैसे सूजी को ढेर सारा भूनते हैं वैसे इसे आपने भूनना है, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये पकेगा कैसे, इसमें पानी डाल सकते हैं नहीं तो छाछ डालें, दही को पतला करके उसमें पानी डालकर जैसे कढ़ी बनाते हैं ना, बस पतली छाछ इसके अंदर, और इसके साथ साथ इसमें सेंधा नमक। भाई आप किसी दुकान में जाएं पूछें सेंधा नमक दें, व्रत में सब लोग सेंधा नमक डालते हैं, तो ये लीजिए सेंधा नमक, इसमें नमक हो गया, और अब इसे कर दिया मिक्स। अब हम क्या करेंगे, इसे पकने के लिए रख देते हैं, ढक्कन लगाकर मीडियम हीट पर इसे आप पकने दें, ताकि जितनी छाछ है वो सोख ले और फिर उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें और डालनी है, क्या डालना मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम डालेंगे रोस्टेड पीनट, ये मूँगफली, भुनी हुई मूँगफली, और इसे आप क्रश कर लें, रफली क्रश कर लें, पर थोड़ा बड़ा रहेगा, मोटा रहेगा, थोड़ा चूरा भी हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसे गार्निश करने के लिए थोड़ा हरा धनिया, ये हरा धनिया इसको काट के हम रख लेते हैं। चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि पक गया है या नहीं पक गया है।
हाँ सूख तो काफी गया है, नीचे लगा भी नहीं है, ऐसे ही चाहिए। और अब इसमें हम डालते हैं ये पीनट्स, मूंगफली। आहा, ये बहुत टेस्टी चीज होती है। और इसमें हमने मिक्स कर दिया है इसे, भुनी हुई मूंगफली हो गई मिक्स, इसे हम कर देते हैं बंद। और इसके साथ हरा धनिया इस पे डालें और इसको ढेर सारी मात्रा में खाएं। नहीं नहीं, व्रत है, थोड़ा सा खाएं, आपकी मर्जी है कितना आप खाना चाहते हैं। व्रत में होता है कि पूरा जश्न तो नहीं होता कि ये है ये है ये है, लिमिटेड चीज़ें होती हैं तो इसलिए क्वांटिटी थोड़ी लोग ज़्यादा खाते हैं। आप कितनी खाते हैं ये आप ही डिसाइड करें। मैं ये कहता हूँ आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप बरई, 1/4 कप भुनी हुई और कुटी हुई मूंगफली के दाने, 4 बड़े चम्मच देसी घी, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 3 कप छाछ, सेंधा नमक स्वाद अनुसार और 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसे बनाने के लिए वराई को 3 कप पानी में आधा घंटा भिगो कर रखें और इसके बाद इसे छान लें। एक पैन में घी गरम करके इसमें जीरा, हरी मिर्च और वराई डालकर भून लें। इसमें छाछ और सेंधा नमक डालकर मिलाएं और इसे ढककर तब तक पकाएं जब तक वराई पूरी तरह से पक न जाए। इसमें भुनी और कुटी हुई मूंगफली डालकर कटा हुआ हरा धनिया डालें और मिक्स करें और इसे गर्मा गर्म परोसें। वेलकम बैक, मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा नवरात्रि स्पेशल और इसमें फास्ट की डिशेस, व्रत के खाने। और वरई कैसे बनाते हैं, हमने सेवरी यानी नमकीन बनाई थी, अब एक आसान सी पूड़ी। और ये जो पूड़ी है ये है राजगिरे की। अब राजगिरे के लड्डू मिलते हैं, राजगिरे की पट्टी बनी हुई मिलती है, चिक्की टाइप की मिलती है। अब इसकी पूड़ी कैसे बनाएंगे, मीठी बनती है, नमकीन कैसे बनाएंगे, वो भी आलू वाली बनाएंगे। इसके लिए आप सिर्फ राजगिरे का आटा ले लें, ये ले लिया राजगिरे का आटा, बस इसमें नमक, सेंधा नमक और इसके साथ साथ इसमें उबले हुए आलू। ये जो उबले हुए आलू हैं ये मैश किए हुए उबले हुए आलू, और उसके साथ साथ इसमें हम डालते हैं थोड़ा घी। ये मैंने घी रखा हुआ है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। इसमें आलू मिक्स किया, नमक मिक्स किया और फिर इसके अंदर डालेंगे हम पानी, और पानी डालकर इसे गूंद लेना है, पानी ज़्यादा नहीं डालें आप। राजगिरे का आटा गूंद चुका है, घी जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है इसलिए मैंने धीरे कर दिया है। अब इसे हम बेल लेते हैं, हाथ में लगाया थोड़ा सा घी और अब इसे बेल लेते हैं, बस ये जो पूड़ी बनेगी ये काफी मोटी पूड़ी बनती है क्योंकि इसके अंदर आलू काफी ज्यादा होता है। अगर आप इसको पतला बेलना चाहेंगे तो नहीं बेलेगी, तो इसलिए आप इसी तरह से इसकी मोटी पूड़ी बेल लें हाथ से। और अब गरम घी के अंदर इसे हम डाल देते हैं और बाकी जितनी पूड़ी हैं वो भी आप इस तरह से बनाएं और फ्राई करें। ये देखिए, ये लीजिए, चलिए ये तैयार हो गई राजगिरे के आटे की पूड़ी। और इसे हम निकाल लेते हैं और ये जो राजगिरे के लड्डू हैं उसकी चिक्की है, इसका मज़ा लेना चाहते हैं तो इसको बाज़ार से मंगवा लें या फिर घर पर ही बना सकते हैं। अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। मैं कुछ मीठे की तैयारी करता हूँ, नवरात्रि है, व्रत का कुछ मीठा क्या है, थोड़ा सा इंतज़ार। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप राजगिरे का आटा, 1 बड़ा आलू उबला हुआ और मसला हुआ, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच घी और तलने के लिए घी। इस पूड़ी को बनाने के लिए राजगिरे के आटे में सेंधा नमक, उबले हुए आलू, घी और पानी डालकर इसका सख्त आटा गूंद लें और इसे करीब 15 मिनट तक रख दें। अब इसके 16 पेड़े बनाएं और हथेली पर थोड़ा घी लगाकर इसकी पूड़ी बेल लें। अब एक कढ़ाई में घी गरम करके इन राजगिरे की पूड़ी को सुनहरा होने तक तलें और किसी किचन टॉवल पर निकालकर एक्स्ट्रा घी सोख लें और गर्मा गर्म परोसें।
नवरात्रि का त्योहार उत्तर भारत से लेकर पश्चिम बंगाल तक और तमिलनाडु से लेकर गुजरात तक सभी जगह धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार अच्छी की बुराई पर जीत का नमूना है। दुर्गा माँ के हाथों के शस्त्र सारे पापों का नाश करते हैं और दूसरी तरफ लोग दुर्गा माँ से आशीर्वाद लेकर नई योजना की शुरुआत करते हैं। इस मौके पर गरबा डांडिया के साथ खाने का जोश भी लोगों में खास देखने को मिलता है, वो प्रसाद के रूप में हो या मिठाई के रूप में, क्या फर्क पड़ता है। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप देख रहे हैं हमारा नवरात्रि का स्पेशल। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो एकदम मौज मस्ती वाले और इसमें खाना पीना भी बहुत बढ़िया बढ़िया बनता है। काफ़ी लोग फास्ट भी रखते हैं, तो इसलिए कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जो बढ़िया खाना भी हो और फास्ट का भी हो, जल्दी बन जाए, मतलब व्रत का। तो मखाने की खीर बनाते हैं। अब मखाने क्या होते हैं, इसकी खीर कैसे बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है। इसके लिए ये मैंने ऑन कर दी गैस और अब इसके अंदर ये थोड़ा घी और उसके बाद ये लीजिए, ये होते हैं मखाने। वाह, अच्छा ऐसा नहीं कि आप दुकान पे जाएं और बोलें कि 1 किलो मखाने दे दें, क्योंकि 1 किलो जो मखाने हैं वो ढेर सारे होते हैं। इतने सारे वो इसलिए क्योंकि इसका जो वज़न है वो बहुत कम होता है, एकदम हल्के हैं ये, बहुत ही हल्के हैं। और मखाने ये कमल का फूल होता है ना, बस उसी से ही, नहीं फूल से नहीं, ये आपने देखा है कमल का जो फूल होता है उसके पीछे कैसे बेल टाइप की चीज़ होती है, उसके अंदर दाने दाने होते हैं, उसी से बनते हैं ये मखाने। अब ये घी हो गया गरम और अब इसके अंदर हम डालते हैं ये मखाने। इसको थोड़ा सा हल्का हल्का लाल करेंगे, ज़्यादा नहीं, ये काफ़ी हल्के होते हैं, तो इसको जब आप भूनते हैं तो ध्यान रखें क्योंकि बहुत जल्दी ये लाल होते हैं। जैसे अगर आप कभी काजू फ्राई कर रहे हो तेल के अंदर तो ध्यान रखना चाहिए, बहुत जल्दी जल भी सकते हैं। इसी तरह से ये जो मखाने हैं इस पर भी ध्यान रखें, ये जलने नहीं चाहिए। अब देखिए इसका जो रंग है वो हल्का हल्का सुनहरा होना शुरू हो गया, बस उतना ही हमने लाल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा कई लोग क्या करते हैं, इस तरह से इसको तेल में भून कर अलग निकाल लेते हैं और फिर दूध को रिड्यूस करके इसकी खीर बनाते हैं और बाद में मखानों को डालते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इतना ज़्यादा झंझट ना करें, इसको जल्दी अगर आपने बनाना है तो आप ये मखानों को भून लें और उसके बाद ये जो दूध है इसको इसके अंदर डालें, दूध इसके अंदर, और अब इन मखानों को पकने दें दूध के अंदर। दो चीज़ें होंगी, एक तो जो मखाने हैं वो पूरी तरह से पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और दूसरी बात ये कि जो दूध है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। अब आपको मालूम है जो खीर है, अब चाहे वो खीर हो, कुल्फ़ी हो या कोई भी ऐसे दूध की बनी हुई चीज़, अगर दूध को अच्छा पकाया जाए, उसमें से पानी थोड़ा उड़ा दिया जाए तो गाढ़ा हो जाता है और उसका टेस्ट बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि फिर उसमें जो फैट कंटेंट है बढ़ जाता है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाती है, तो टेस्टी तो होगा ही, रबड़ी जैसा टेस्ट आ जाएगा। तो आप जितना इसे पकाएंगे उतना ज़्यादा दूध गाढ़ा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इसमें नहीं पकाना क्योंकि इसमें हम मखानों के साथ इसे पका रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप घंटों इसको पकाते रहें फिर मखाने पता नहीं चलेंगे कहाँ गए, वो इतने ज़्यादा पक जाएंगे सारे उसमें घुल मिल जाएंगे, वैसे हमने नहीं करना। चलिए अब ये जो दूध है ये थोड़ा थोड़ा उबलने लग गया है, अब इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डालते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर हरी इलायची पिसी हुई और इसे मिक्स कर लेते हैं, ये लीजिए। और अब इसमें हम डालते हैं चीनी, तो चीनी अपने स्वाद के हिसाब से, आप ज़्यादा मीठा इसे बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा चीनी डालें, कम मीठा तो कम चीनी। तो ये हमने कर दिया इसको मिक्स और अब इसके बाद इसमें हम डालते हैं कुछ बादाम कटे हुए, आप चाहें तो ब्लांच किए हुए डाल सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से ये कटे हुए बादाम, ये लीजिए। और उसके साथ साथ आप खाना चाहते हैं कुछ पिस्ते, ऐसा लगे कि भाई त्यौहार का मौसम है तो अब त्यौहार में ज़रा
कुछ हो जाए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, काजू, पिस्ता, बादाम, सारी चीज़ें, तो इसमें लीजिए ढेर सारे पिस्ते भी। इसे भी ब्लांच करके, यानी पिस्ते को गर्म पानी के अंदर रख के उसे छील के फिर स्लाइस किया गया है, और इसे हम कर लेते हैं मिक्स। और कुछ देर तक आप इसे और पकने दें ताकि जो मखाने हैं वो एकदम सॉफ्ट नरम हो जाएं और चीनी पूरी तरह से घुल जाए और ये पकते रहे। हाँ, इसको तेज़ आंच पर नहीं, मीडियम हीट पर पकने दें, और फिर जब ये अच्छी गाढ़ी हो जाए खीर, तो इसको परोसें गर्मा गर्म या ठंडी ठंडी। जी हाँ, ये खीर ही ऐसी है कि आप इसको गर्म भी खा सकते हैं, ठंडा भी। वैसे सारी खीर, चाहे वो चावल की हो या गाजर की हो या मखाने की हो, गर्म ठंडी दोनों अच्छी लगती हैं। अभी आप नोट करें इसकी गर्मा गर्म रेसिपी और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, 3 बड़े चम्मच देसी घी, 1 कप मखाने, 1/2 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर, 6 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, 8 बादाम उबले हुए और स्लाइस किए हुए, और 8 पिस्ते उबले हुए और स्लाइस किए हुए। इसे बनाने के लिए एक पैन में घी गर्म करके इसमें मखाने डालकर इन्हें हल्का सुनहरा होने तक भून लें। इसमें दूध डालकर इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। इसके बाद इसमें हरी इलायची पाउडर और चीनी डालकर मिक्स कर लें। इसमें बादाम और पिस्ते डालकर इसे कुछ देर तक और पकाएं और इसे परोसें। अब बारी है आज की टिप की। अब भाई, व्रत के लिए पूड़ी रोटी बहुत होती है, व्रत का थाली पीठ कैसे बनाएं? इसके लिए 2 उबले हुए आलू ग्रेट कर लें, 2 कप राजगिरे का आटा, सेंधा नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया और पानी डालकर इसका आटा गूंथ लें। इसके पेड़े बना लें, तवे पर थोड़ा तेल लगाकर, हाथ पर पानी लगाकर इसे फैलाएं और इसमें छेद करके गर्म आंच पर घी लगाकर सेकें और परोसें व्रत का थाली पीठ। तो लीजिए, सारी रेसिपीज हो गई, बाकी सारी चीज़ें हो गई। इसी तरह से आप खाना खजाना देखते रहें, और अगर आप खाना खजाना से कुछ भी और पाना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े इनाम हो गए या कोई भी चीज़, चाहे वो छोटी सी रेसिपी हो या टिप हो, सब कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा ध्यान से खाना खजाना, और उसके साथ साथ आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमें लिख कर भेजें, ईमेल से भेजें, कैसे भी भेजें, फ़ोन भी कर सकते हैं। कैसे, आज नंबर नहीं बताऊँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं आज। बस अब मुझे छुट्टी दें। नमस्कार।